बोलो, तुमने बेईमानी की हदें तोड़ दी, लोगों का खून चूसा, रिश्वतें खाईं, तुम समाजवाद और देश के नाम पर एक क्रांति को। समाजवाद? हमारे देश में समाजवाद कहाँ है? हमारे देश में तो अवसरवाद है, जातपातवाद है, कुर्सीवाद है। अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। अरे भाइयों, हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं। जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तय करते हैं तो पहले अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, उसके गुण और अवगुण देखते हैं, तब जाकर कन्या की शादी करते हैं। वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, उसको किसी को भी उठा कर दे देते हो। अरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए, मगर आप लोग क्या करते हैं? बेचते हैं अपना वोट, वोट का ब्लैक मार्केट करते हैं। जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है। कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया, और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। तो फिर किस मुंह से हमें बेईमान कहते हो? हाँ, अरे अगर बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बेईमान बनेगी ही। तो फिर चिल्लाते काहे को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद। जिस दिन तुम वोट खरीदने वाले को अपनी चौखट से धक्का मारकर बाहर निकाल दोगे, उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो, हमारे इन उप मुख्यमंत्रियों को, इन बेईमानों को किसने भेजा? ये आप ही लोगों के भेजे हुए हैं ना। अब ये बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आज से 5 साल बाद जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो ये पैसा कहां से लाएंगे? अरे यहीं से तो लाएंगे ना। अरे बोलिए बोलिए, आप कहते कि हमने रिश्वत ली है, बेईमानी की है। अरे हम कहते हैं हाँ, हमने रिश्वत खाई है। कोई कहता है 12 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़, कोई 16। आप जानते हमने कितना कमाया है? 62 करोड़, 60 और 2। हाँ, अरे ना सोचिए तो सही, अगर 6 महीने में हमने 62 करोड़ रुपया कमाया है तो हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने करोड़ कमाए होंगे? हाँ, हिसाब लगा सकते हैं आप? अरे जब आप हमारा हिसाब नहीं लगा सके तो उन लोगों का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? अरे हम तो कहते हैं उन लोगों से हिसाब मांगो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी मिलकर हिसाब मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये रुपया, ये पैसा कमाने का तरीका कौन से रास्ते से होता है। बेईमानी का पैसा किस रास्ते से कमाया जाता है, ये अब हमें पता चल चुका है। आप लोग कहते कि हम बेईमान है, हाँ आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप ईमानदारी के पैगंबर हैं। कोई कहता है हम न्याय के देवता हैं, कोई कहता है कि हम धर्म के अवतार हैं, कोई कहता है ईमानदारी के पैगंबर हैं, मगर हम क्या है? हम बेईमान हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? क्योंकि हम इनका कच्चा चिट्ठा जानते हैं ना, इनका बांडा फोड़ सकते हैं, इसलिए तो हम इन बेईमानों के मुखिया बन गए। पर हमारी बेईमानी की कमाई गई कहां? क्या हम निकल गए? अरे हराम का पैसा तो कोर बन के सामने फूटता है, हमारे सामने भी फूट सकता था। हमारी बिटिया की शादी हुई, हाँ, क्या हमें पता था? क्या हमने 10-20 लाख रुपए का तोहफा दे दिया? क्या 10-20 लाख रुपया दहेज में दे दिया? नहीं, उसमें सरकारी बैंड बाजा बजा, नहीं, सरकारी गाड़ियां भागी, सरकारी पेट्रोल फूका, नहीं। क्या उसमें पुलिस या सरकारी अफसर चपरासियों की तरह इधर उधर भागते रहे? नहीं। किसी को कानो कान खबर भी ना हुई, हमें भी नहीं पता चला। शादी होने के बाद हमें पता चला कि हमारी बिटिया की शादी हुई। क्यों? आप पूछिए तो सही क्यों? इसलिए कि वो मुख्यमंत्री राम अवतार की बेटी की शादी नहीं बल्कि राम अवतार हज्जान की बेटी की शादी हुई थी। हमारे बेटे ने खुद गरज लोगों के चक्कर में आके शादी कर ली, तो क्या हमें 10-20 लाख रुपया दहेज में मिल गया? क्या हमने अपने बेटे को 10-20 कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया? नहीं, हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन तक गिरवी रख देते हैं भगवान जी की दया से, जगन्नाथ जी की दया से। अरे हमने बहुत बड़ा त्याग किया है मुख्यमंत्री बनने के लिए,
आपको पता है, आपको पता है कि हमारे कमालपुर में अस्पताल नहीं है। हमारी छोटी बिटिया बगैर दवा दारू के तड़प तड़प कर मर गई। अरे अगर हम बेईमान होते तो उसके इलाज के लिए उसे रूस भेजते, उसे अमेरिका भेजते। वो मर गई, मगर हमारी अपनी पत्नी ने उसका अंतिम क्रियाकर्म भी हमें नहीं करने दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की लाश को हम जैसे बेईमान बाप का हाथ भी लगे, हमारा साया भी पड़े। आपने देख लिया कि मुख्यमंत्री बन के हमने क्या क्या खोया है, किस किस से बिछड़ गए हम। वो सामने जो क्रांति का झंडा लिए खड़ी है, चंडी का रूप धारण किए हमार पत्नी सुषमा, उससे पूछो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सोना तो एक तरफ रहा कि चांदी का छल्ला भी बना के दिया हमने उसे, नहीं क्या हमने जमीन खरीदी है, नहीं क्या कोठियां बनाई है, नहीं तो फिर वो बेईमानी की दौलत गई कहां गई वो दौलत है। भाइयों, हमने उस कमाई का एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, एक एक पैसे का हिसाब है हमारे पास। क्यों जानते हो? क्यों? क्योंकि हम अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता था कि एक दिन वो हम पर जनता की फौज लेकर चल उठेगी, इसलिए एक एक पैसे का हिसाब हमने तैयार रखा है। उसे जनता के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे हम। सुषमा, तुम्हें अपना सर नीचे झुकाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम हमारे मुंह पर अखबार का चित्रा मारकर चलेगी, और यह भी नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह पूछती तो हम इसे बता देते, हम बेईमान हैं, हमने बेईमानों के साथ बेईमानी की है। अरे डाकुओं के घर में डाका डाला है। हम ये नहीं कहते कि राजनीति में सब बेईमान है, खराब है, नहीं, बहुत से शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम इस मन से यही कहना चाहते हैं कि उन ईमानदार लोगों की जय जयकार करो, उन्हीं को वोट दो, उन्हीं की सरकार बनाओ और लोकतंत्र के हाथ मजबूत करो। पर वो ईमानदार लोग भीख का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवाजे पर अपना वोट लेकर, और उनसे विनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट स्वीकार करो। वो देखिए, आपके सामने बाल मुकुंद त्रिपाठी खड़े हैं। आधी जवानी आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेजों की जेल में कट गई, मगर देश आजाद होने के बाद पॉलिटिकल पेंशन नहीं ली उन्होंने, मकान नहीं लिया, जमीन नहीं ली। अवसरवादी लोग और बेईमान लोगों ने धक्के मार मार के इन्हें अपने घर में बंद कर दिया। अरे ऐसे लोगों को घर से बाहर निकालो, विधानसभा और लोकसभा में भेजो, इसी में देश का कल्याण है। आप लोगों में यही तो खराबी है, कोई बड़ी बड़ी बातें करे, मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करे, आप धनाधन तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, सुनकर खुश हो जाते हैं। ये ताली बजाना बंद करो, ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। अरे आपके इस सीधेपन का तो लोग फायदा उठाते हैं। पहले हमसे पूछो, ए राम अवतार, ए राम अवतार, वो 62 करोड़ रुपया कहाँ है? वो 62 करोड़ हम बैंक में रखा है, और ये रही उस बैंक के लॉकरों की चाबियां। 62 करोड़ बैंक में है। अब कहो कि हम बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं, धोखेबाज हैं, बोलो। अगर लोगों को कुर्सी पर बिठाने का हक आप लोगों के पास है, तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फेंकने का हक भी, ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये रही आपकी कुर्सी, और ये रही बैंक के लॉकरों की चाबियां। अरे भैया, हम तो एक नाई हैं, हमारा पेशा आदमी के शरीर की गंदगी को दूर करना है, साफ करना है। हम अकेले देश की राजनीति की गंदगी को साफ नहीं कर सकते, ये गंदगी ये मैल आप लोगों को मिलकर दूर करनी होगी। क्रांति कुमार जैसे क्रांतिकारियों को करनी होगी, बाल मुकुंद त्रिपाठी जैसे गांधीवादियों को करनी होगी। भाइयों, आइए आज जनता की खुली अदालत में इन बेईमानों की किस्मत का फैसला भी हो जाना चाहिए।